Welcome to Vision of Asia, the news you can trust and events that move and celebrate our very own South Asian community. I am Pia Jyoti Khatru coming to you from our ITV Gold studio in New Jersey. In the news today, we have Indian Prime Minister Narendra Modi and British Prime Minister Rishi Sunak discuss collaboration in trade, defense, security. Debut music video by veteran journalist Mayank Chaya. Amazon confirms the layoff of approximately 10,000 employees. Amazon confirms to lay off approximately 10,000 employees in corporate and technology roles. The cuts would be the largest in the company's history and would primarily impact Amazon's devices organization, retail division, and human resources. According to the report, the reported layoffs would represent less than 1% of Amazon's global workforce and 3% of its corporate employees. Dr. Sanjeev Kumar, who has made a very special place in the hearts of everyone, whether it's youth or elders, during his brief political tenure. In Bihar for the common people of Kagaria district, including Parbata constituency. He is presently the MLA of Parbata Assembly constituency, Bihar, as well as the state vice president of JDU Medical Cell. I had an opportunity to talk to him. The whole interview will be aired soon. Right now, let's watch some highlights. पर यू नो डेफिनेटली हम बात करेंगे अबाउट यू नो हाउ कैन यहाँ के लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं बिहार में बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू एस्क यू जब मैं आपका ये सब रेज्यूमे सब कुछ देख रही थी इट्स लाइक अ सक्सेसफुल डॉक्टर ट्रांजिशनिंग इन टू एन इलस्ट्रियस यू नो पोलिटिकल करियर टू सर्व द पीपुल सो टेल मी वॉट मोटिवेटेड यू टू गेट ऑन दैट पैथ Oh, see, uh, I, I did my MBBS from Sage GS Medical College and KM Hospital, which is the one of the best medical colleges of uh, medical college of India. In fact, my so many friends are in US also right now, my batchmates. So I did my MBBS from there, and after uh, after MBBS, I did PG in Hospital Management, hmm. and uh, then I opened my diagnostic center in Patna, Radiology and Pathology Diagnostic Center. बाई time my father फादर uh, was माई फादर वॉज ऑल्सो इंजीनियर नाउ बाई दैट टाइम ही लेव द जॉब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड ही ऑल्सो बिकेम एम एल ए सो हम लोग साथ uh, काम कर रहे थे पापा के कंस्टिटुंसी भी हम लोग जाते थे हमारा घर है इनफैक्ट परबत्ता इज माई नेटिव प्लेस माई विलेज ऑल्सो देर इन परबत्ता ओनली आप कह सकते हैं देट इज़ माई मातृभूमि एज वेल एज जन्म और सब कुछ एंड नाउ इट हैज़ बिकम बाय कर्म भूमि ऑल्सो right. तो वहाँ से मेरा लगाव था शुरू से तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग जो लोगों से पापा को मैं देखा जैसे वो जुड़े हुए रहते थे हर चीज़ में सुख दुख में तो आप कह सकते हैं कि विरासत में मैं जनसेवा की भावना अपने पिता से मैं लिया hmm. yeah. और बहुत ही अच्छा लगता था काम करने में चूंकि मैं डॉक्टर था हूँ अभी भी तो जितने पेशेंट आते थे पटना आते थे गांव से क्योंकि बाय दैट टाइम गांव में वो व्यवस्था नहीं था अच्छा अब तो बहुत हद तक हो गया और हो रहा है तो जो पटना के इलाज के लिए आते थे मेडिकल इशू को लेकर सब मेरे से ही मिलते थे hmm. तो मेडिकल इसी तो इशू तो सॉल्व करता था साथ साथ जो उनका सोशल इशू भी रहता था उसको भी मैं सॉल्व करने लगा पापा वाज देयर सो आई केम क्लोज टू ऑनरेबल सीएम नीतीश कुमार आल्सो तो कुछ कुछ बहुत इश्यू में मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी मिल करके मैं बताता था कि ये सब ज़रूरत है तो उस पर भी वो एक्शन लेते थे कि नहीं ठीक है तो धीरे धीरे मैं पॉलिटिक्स में भी आ गया एंड ऑनरेबल सी एम टोल कि आप इलेक्शन लड़ें और ही गेव मी दी टिकट ऑफ हिज पार्टी जे डी यू एंड आई ओन द एलेक्शन फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिटुएंसी परबत्ता वहाँ से पापा पाँच बार जीते ही वॉज द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑल्सो और वो जितने काम विकास का किए वो मैं उसको और बढ़ा रहा हूँ तो पिताजी के साथ मैं बार बार क्षेत्र भी जाता था अपने गांव में भी तो जो लोगों से जुड़ाव बढ़ता चला गया मैं वहाँ भी जाता था तो पेशेंट को जो इलाज के लिए आते थे तो उनको भी मैं अपने गांव में भी देखता था पेशेंट्स को उनका वहाँ भी ट्रीटमेंट करता था और उसी क्रम में फिर पटना भी आ जाता था वहाँ भी उनका इलाज बेहतर इलाज के लिए तो धीरे धीरे अब इलाज के साथ साथ विकास का भी होने लगा माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं मिला उनको भी लगा कि नहीं कि बहुत एक्टिव हैं काम कर रहे हैं तो देन ही ओनली टोल्ड मी टू कंटेस्ट द इलेक्शन आई थिंक यू विल विन यू आर टू मच कनेक्टेड टू द यूथ एंड पब्लिक और मैं सबसे बड़ी बात मुझे ये लगा कि जब मैं चुनाव में प्रचार करने के लिए जाता था तो मुझे ऐसा कोई फैमिली नहीं मिला होगा कि जो कहता होगा कि भाई आपने जहाँ मैं जाता था हर जगह सब कहते थे आपने मेरी जान बचाई डॉक्टर साहब अच्छा। आप उस वक्त मुझे जान बचाए थे आप ऐसा हजारों लोगों हुआ जो मैं जहाँ गया तो ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट रहा नहीं तो बिहार में चाहे इंडिया में भी कोई भी आज के समय में लेगेसी को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसके अगेंस्ट ही लोग परिवारवाद ये सब बात हल्ला होता है लेकिन हमारे केस में मैं इतना कनेक्टेड था लोगों से ये कोई इशू ही नहीं हुआ और, और मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट हुआ कि मैं पहले भी बोला कि पिताजी के कारण मैं इतना नज़दीकी से गरीबी को भी देखा हूँ लोगों को जो परेशानियाँ होती थी तो उसका सॉल्यूशन में मैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग लगा हुआ था और जैसे मैं इलेक्शन जीता पहला काम किया मैं हंड्रेड बेडेड हॉस्पिटल बीस करोड़ का हमारे परबत्ता में स्टार्ट हो गया बनना नो इट इज़ अबाउट टू कम्प्लीट विद इन वन और टू मंथ्स अच्छा ये सब स्टार्ट हो गया और विकास की बात देखेंगे तो पर्वत्ता असेंबली ऐसा कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ पे वी आर हैविंग पॉलिटेक्निक कॉलेज वी आर हैविंग आईटीआई कॉलेज वी कॉलेज हैविंग नर्सिंग स्कूल सब कुछ हो गया द मेन थिंग इज दैट माय फादर हैड स्टार्टेड उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री से मिलके हम लोग बात किए थे कि वहाँ पे अगवानी सुल्तानगंज पुल बन रहा था फोर लेन दैट वॉज डिमांड ऑफ आवर एंड दैट विल कनेक्ट अस टू देवघर अच्छा देवघर इन में देवघर तो है ही पिलिग्रमेज है हम लोगों का हिंदू का शिव जी का मंदिर है बैजनाथ का तो वहाँ से जाने में बहुत लोगों को तकलीफ होती थी तो वो जो पुल बन रहा है वो भी वर्ल्ड क्लास का पुल वहाँ पे बन रहा है फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन ऑन डेट ब्रिज गैंगेज डॉल्फिन देखने के लिए दैट इज गोइंग टू बिकम अ टूरिस्ट प्लेस इन फ्यूचर तो दैट विल ऑल्सो आई थिंक बाई दिल ऑल्सो कम्पलीटेड तो इस तरह से विकास हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं और ओवरऑल आप देखेंगे कि बिहार में भी जो पंद्रह सत्रह साल में जो डेवलपमेंट हुआ है डेट डेट इज़ अनकम्पेरेबल मतलब उतना कोई सोच नहीं सकता था जहां पूरा दुनिया स्मार्ट सिटी की बात सोचती है कि वी विल मेक ए स्मार्ट सिटी और हमारे बिहार में हमारे नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ऐसा विज़न था ही बिलीव्स इन मेकिंग इन स्मार्ट विलेजेस आगा। अब आप यू विल सी कि जितने गली के सड़कें हैं कि गांव में सब कंप्लीट हो गए हैं 95 परसेंट आर कंप्लीटेड और उसके बाद जो आ, हर घर में आर सिस्टम का पानी सप्लाई चला गया अच्छा इन विलेजेस शहर की बात छोड़ दे विलेजेस में ऐसा हो गया तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मुख्यमंत्री की कि भाई जो बीमारियां होती थी पानी से रिलेटेड वो सब कम हो जाएगा हमारे यहाँ आर्सनिक आयरन थोड़ा ज्यादा है हमारे बिहार में तो ये सब बहुत ही सोच समझ के वो कर रहे हैं अब बारी आ गई कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बारी आ गई है कि अब ये होना चाहिए बेसिक थिंग्स हैज़ बिन कम्पलीटेड देयर 24 फोर आवर इलेक्ट्रिसिटी इन बिहार रोड कनेक्टिविटी टू रिमोटेस्ट विलेज आर अवेलेबल नाउ और पटना आने में किसी भी डिस, डिस्ट्रिक्ट से इनफैक्ट आप किशनगंज से भी पटना विल रीच इन सिक्स आवर अर्लियर वी यूज टू रीच इन आवर्स फिफ्टीन आवर्स बिकॉज अमेजिंग फ्राम एनी एनी डिस्ट्रिक्ट यू कैन कम टू पटना विद इन सिक्स आवर राजधानी में hmm. तो हर तरह से व्यवस्था अच्छा हो रहा है लेकिन uh, मैं यहाँ पर आया हूँ मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बिहार के लोग हैं जो अमेरिका में जो बिहार के लोग हैं इंडिया के लोग हैं इतना सोचते हैं इंडिया के बारे में hmm. तो बींग हीयर ऑल्सो यू कैन स्टार्टअप थिंग्स देयर अब इतना अच्छा सुविधा हो गया है हैसल फ्री एंट्री है सिंगल विंडो सिस्टम है आप आए वह हैवेरा ऑफ ऑप्शन देयर यू आर हैविंग गुड अपॉर्चुनिटी प्लीज कम देयर एंड फर्स्ट एक्सप्लोर वॉट यू कैन डू लेकिन मैं बताया कि वहां पर हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड है बिहार यू कैन इन्वेस्ट इन फूड प्रोसेसिंग प्लांट मैंने परवत्ता में ही मैं डेढ़ सौ एकर बी आर डा बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को हम लोगों ने ट्रांसफर कराया लैंड को नेशनल हाईवे पे लाइक दिस इन मैनी डिस्ट्रिक्ट नाउ द लैंड बैंक हैज़ इंक्रीज इन बिहार गवर्नमेंट तो पहले कोई आएंगे तो उनके लिए रिक्वायरमेंट होता है लैंड बैंक का रोड कनेक्टिविटी का विच यू हैव इलेक्ट्रिसिटी का विच यू हैव सम इम्पॉर्टेंट थिंग स्किल विच यू हैव फॉर एग्रीकल्चर थिंग्स वी रिक्वायर रॉ मटेरियल्स तो हमारे पास मेज़ मक्खना लीची इतना हम लोगों के यहाँ केला का है पच्चीस हजार टन हम लोग पच्चीस लाख टन का हम लोगों का मेज़ का प्रोडक्शन है wow. पर एन एम तो आप समझिए कि वहाँ के स्किल्ड लेबर अहमदाबाद में जाते हैं और बिहार के लोग मेज ट्रांसपोर्ट होकर अहमदाबाद जाता है वहां पे फिर स्टार्च बनता है फूड प्रोसेस होता है तो वाई नॉट इन वी कैन डू इट इन बिहार बिल्कुल Continuing with the news on entertainment on ITV Gold, enjoy Sarfarosh in The Family Movie Night this Friday at 8.30 p.m. Eastern. Sarfarosh is a political thriller starring Amar Khan, Nasiruddin Shah, and Sonali Bendri. Saturday, 1 p.m. Eastern, watch Jackie Shroff and Anil Kapoor in Subhash Guy's Ram Lakhan. And reserve your Sunday at 3 p.m. Eastern for Amitabh Bachchan's blockbuster Kuli, directed by Manmohan Desai. And that's a wrap on Vision of Asia tonight. You can send us your suggestions and community news that you would like us to cover for our print and television coverage at events at itvgold.com, or you can also send it to me at pia at itvgold.com. Follow us on our Facebook handle at ITV Gold. Subscribe to our YouTube channel and pick up a free copy of Daily Talk if you are in the tri-state or in the Chicago area for community news, entertainment, and events in US. You can also read the News India Times newspaper online at www.newsindiatimes.com or subscribe to the hard copy by calling.